हेलो किड्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन, ओके बेटा. टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश. टॉपिक इज यूज ऑफ दे एंड देयर. तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, वो आपकी इंग्लिश की लॉन्ग वाली कॉपी में पेज नंबर 63, यू कैन सी द पेज नंबर 63 पर गिवन है यूज ऑफ दे एंड देयर. तो आज बेटा हम क्या पढ़ेंगे अपने इंग्लिश की लॉन्ग वाली कॉपी में? दे और देयर का यूज. ठीक है, तो सबसे पहले तो सारे बच्चे जानेंगे कि व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दे एंड देयर. तो दे का हिंदी मीनिंग होगा हमारा बे, ओके, और देयर का उनका. ठीक है, तो बे में हमारे कितने पर्सन आ जाएंगे? मोर देन वन. यहां पर दे का यूज हम वहां करेंगे जहां पर हमारे मोर देन वन पर्सन होंगे, एक से ज्यादा लोग होंगे. यहां पर हम थर्ड पर्सन के लिए अपने दे और देयर का यूज करेंगे. दे के साथ हमेशा हम देयर का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे हमने आई के साथ माई का किया, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर एंड वी के साथ आर. अब तक हमने इनका यूज पढ़ा कि कैसे हम इनका यूज करते हैं और कहां कैसे इसे फिल किया जाता. आज मैं आपको समझाऊंगी कि बेटा दे एंड देयर का यूज हम कैसे करेंगे. तो दे का मीनिंग है बे और देयर का मीनिंग है उनका. तो देखिए हम इसे सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा डैश आर ए आर ई आर सोनू एस ओ एन यू सोनू एंड मोनू एम ओ एन यू मोनू. ठीक है, तो यहां पर आर सोनू एंड मोनू मोर देन वन. देखिए मोर देन वन है, सोनू है और मोनू है. तो वी विल यूज हियर दे टी एच ई वाई दे आर सोनू मोनू. मैं आपसे कह रही हूं या फिर मैं अपनी फ्रेंड से कह रही हूं कि दे आर सोनू मोनू. मैं थर्ड पर्सन के लिए बात कर रही हूं कि दे आर सोनू मोनू, बे सोनू मोनू है. मैं अपनी फ्रेंड से या मैं अपने जो और बच्चे हैं उनसे बोल रही हूँ कि वहां जो बच्चे खड़े हैं, वहां जो लड़के खड़े हैं, मोर देन वन, जहां दो बॉयज खड़े हैं, वो कौन है? दे आर सोनू और मोनू, बे सोनू मोनू है. तो हमने दे का यूज कहाँ किया? मोर देन वन के लिए और इसके लिए थर्ड पर्सन के लिए. अब इसी से रिलेटेड हम दूसरा सेंटेंस लिखेंगे. दीज टी एच ई एस These are dash b double o k s books. They are their books. T h e i r their. तो these are their books. कि ये books उनकी हैं, ये उनकी books हैं. तो मैं कह रही हूं आपसे कि दे आर सोनू मोनू, वो सोनू बे सोनू मोनू है और ये उनकी बुक्स है, ये उनकी किताब है. ऐसे हम थर्ड सेंटेंस लेंगे यहां पर. डैश आर रीना आर डबल ई एन ए रीना एंड मीना एम डबल ई एन ए मीना. तो वी विल यूज हियर दे टी एच ई वाई दे आर रीना एंड मीना. बे रीना एंड मीना है. मैं आपसे बोल रही हूं बेटा कि बे रीना एंड मीना है. ऐसे फोर्थ सेंटेंस इसी से रिलेटेड हम लेंगे. दीज आर डैश डॉल्स डी ओ डबल एल एस डॉल्स. दीज आर देयर डॉल्स. मैंने बोला आपसे कि दे आर रीना एंड मीना, बे रीना एंड मीना है. दीज आर देयर डॉल्स, ये उनकी गुड़िया हैं या ये उनकी डॉल्स हैं. तो मैं किसके बारे में आपको बता रही हूँ? थर्ड पर्सन के बारे में बता रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि वहां जो गर्ल्स खड़ी हैं, वो कौन है? दे आर रीना एंड मीना है और ये जो डॉल्स हैं, ये उनकी गुड़िया हैं.
तो मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ जो पर्सन वहां पर खड़ा है। ऐसे हम और सेंटेंसेस लेंगे बेटा। यहाँ पर मैंने फिफ्थ नंबर पे लिया डैश आर, आप सोच लीजिए, आप कोई भी नाम ले लीजिए। अब यहां पर हम ले लेते हैं टीना, टी एन टी डबल ई एन ए टीना, एंड सोचिए कौन सा नाम ले लेंगे, नीना, एन डबल ई एन ए नीना। तो वी विल राइट हियर दे, दे आर टीना एंड नीना, ठीक है। बे नीना और टीना है, इसी से रिलेटेड हम लेंगे दीज आर डैश बैग्स, बी ए जी एस बैग्स, दीज आर देयर बैग्स, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि दे आर टीना एंड नीना, बे टीना और नीना है और ये उनके बैग्स हैं, ठीक है। मैं आपको वहां पर जो गर्ल्स खड़ी हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ऐसे हम सेवन नंबर का और सेंटेंस लेंगे डैश आर रवि, आर ए वी आई रवि, एंड कवि, के ए वी आई कवि। तो वी विल राइट हियर दे, टी एच ई वाई दे, दे आर रवि एंड कवि, वे रवि एंड कवि है। ऐसी इसी से रिलेटेड दूसरा सेंटेंस लेंगे हम दीज आर, बेटा स्पेस नहीं है इसलिए मुझे इतना नीचे को लिखना पड़ा है, दीज आर बेड्स, ठीक है। तो यहां पर वी विल यूज हियर देयर, क्यों, क्योंकि दे के साथ हमेशा देयर का यूज होता है, ठीक है। मैंने आपसे बोला दे आर रवि एंड कवि, वे रवि एंड कवि है, और दीज आर देयर बैट्स, ये उनके बैट्स हैं। तो इस तरीके से बेटा हम जो है दे के साथ हमेशा देयर का यूज करते हैं, और दे के लिए हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर मोर देन वन, जहां पर एक से ज्यादा लोग होंगे वहां पर हम दे का यूज करते हैं, और दे के साथ देयर का यूज करेंगे, बे और उनका, और दे का यूज हम थर्ड पर्सन के लिए करते हैं। जब मैं आपको या अपनी फ्रेंड को अपने उन बच्चों के बारे में बता रही हूँ जो बाहर खड़े हैं या मेरे सामने खड़े हैं, उनके बारे में अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ कि दे आर सोनू एंड मोनू, बे सोनू एंड मोनू है, मैं अपनी फ्रेंड को बता रही हूँ दीज आर देयर बुक्स, और ये उनकी बुक्स है। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मेरे सामने जो बॉयज खड़े हैं वे सोनू और मोनू है, और यहाँ जो बुक्स रखी है ये उनकी बुक्स है। तो किसके बारे में बताया मैंने, थर्ड पर्सन के बारे में, क्योंकि टू पर्सन तो हम ही हो गए, मैं और मेरी फ्रेंड, और मेरे सामने जो खड़ा है वो थर्ड पर्सन हो गया जो कि मेरे से दूर खड़ा हो, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो इस टाइप से आपको दे और देयर का यूज करना है। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में कि यूज ऑफ दे एंड देयर, तो आप कैसे फिल करेंगे, वहां पर सेंटेंसेस को रीड करेंगे, समझेंगे, और तब दे और देयर का यूज करेंगे। दे के साथ हमेशा बेटा देयर का यूज होता है, टी एच ई आई आर देयर। तो आपको क्या करना है, अपनी इंग्लिश की लॉन्ग वाली कॉपी में पेज नंबर 63 पर इस टाइप से सेंटेंसेस लिखने हैं और वहां पर दे और देयर का यूज करके उन्हें फिल करना है, ओके बेटा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं ऑनलाइन क्लास में आपको समझाऊंगी, फिर भी मेरे अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे कॉल कर लीजिए, तो मैं फिर से आपको समझा दूंगी, बट आपको इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए, ओके बेटा। नाउ आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।